नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मटेरिया थाना क्षेत्र के होदा डुमरा गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 अवैध वाहनों को जब्त किया है। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गुरुवार को गुप्त सूचना मिली थी कि मेहनोल पंचायत के होदा डुमरा गांव में चोरों द्वारा चोरी का अवैध वाहन छुपाकर रखा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष ने बताया कि कुल 6 वाहन जब्त किए गए हैं, जिसमें 2 ट्रैक्टर, 3 बोलेरो, 1 बाइक को जब्त किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि जब्त किए गए वाहनों में होदा डुमरा निवासी आफताब अंसारी का पावर ट्रैक ट्रैक्टर है, गुफरान अंसारी का एक पावर ट्रैक ट्रैक्टर है तथा अफसार अंसारी की एक बाइक व बोलेरो है। सैफुल्ला अंसारी के यहाँ से एक बोलेरो व सद्दाम अंसारी के यहाँ से एक बोलेरो जब्त की गई। इस संबंध में पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि सभी लोगों से संबंधित गाड़ियों के कागजात की मांग की गई। शाम तक कागज दिखाने पर पूरे जांच पड़ताल के बाद जिस गाड़ी का कागजात उपलब्ध हो जाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा अवैध चोरी की गाड़ी समझते हुए संबंधित गाड़ी मालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस गांव के साथ साथ कुछ आसपास के गांव में भी अवैध चोरी की गाड़ी छिपाई जाने की सूचना मिली है। देर सवेर इससे भी पकड़ लिया जाएगा। यह खबर सुनते ही थाना क्षेत्र के सभी वाहन चोरों के बीच हड़कंप मच गया।